स्पोकन इंग्लिश एंड एजुकेशनल इंग्लिश में डिफरेंस होता है। जिन्हें रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आती है वो भी स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं सिर्फ लिसनिंग के थ्रू। बट एजुकेशनल इंग्लिश की जहां तक बात आती है उसमें रीडिंग एंड राइटिंग सीखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्पोकन इंग्लिश में टूटी फूटी भाषा या फिर थोड़ी मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल होती है, बट अगर कोई पर्सन डायरेक्ट स्पोकन इंग्लिश सीखता है तो उसे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो सकती है और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट जब कोई पर्सन एजुकेशनल इंग्लिश के थ्रू रीडिंग राइटिंग के साथ में इंग्लिश सीखता है तो उसे उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है।